जी प्रणाम, कहिए बुखार से बोल रहे बाबा। जी, प्रणाम, बोलिए। अच्छा, अरे बेटा क्या रात को बड़ा बाबा, वो 6 साल का है। हेलो, जी, मैं छह सुन साल रहा का हूं। है वो हाँ, बेटा, रात को दांत किटकिटाता अच्छा। अब ये देखिए, बेटा रात को दांत किटकिटाता है, इसका सीधा सा मतलब होता है पेट में कृमि है। पेट में कीड़े होने पर दांत किटकिटाते हैं या मुंह से लार आती है सोते समय। और क्योंकि ये समस्या मुझे भी थी, इसलिए मुझे पता है। नक्सीर की समस्या मुझे थी बचपन में, ये पेट में कीड़े और जो दांत किटकिटाना और मुंह से पानी आना, ये समस्याएं थी। मैंने इसको ठीक किया। एक तो कमीला चूर्ण होता है, वो 2 ग्राम खिला सकते हैं रात को सोते समय, या सुबह सुबह खाली पेट जो है टमाटर को उबाल करके उसको दे सकते हैं। और विडंगासव, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, विडंगासव पिला दें। और बहुत अच्छा होता है, जो हमने घरेलू उपाय देखा है, मरवा की चटनी या आड़ू के पत्तों का रस। आड़ू के पत्तों को कूट करके उनका रस निकाल लिया, और या मरवा, मरवा की तो चटनी बनाती है, पुदीना की तरह चटनी बन जाती है, उससे पेट की कृमि दूर हो जाते हैं।